अजय भाई के पास आपके सारे पैसे कहाँ से आए? मैंने खुद दिए थे उसको। क्यों? लोन के लिए अप्लाई किया था उसने। कहा था कि जब लोन आ जाएगा तो हम दोनों यूके साथ चले जाएंगे। वीजे के लिए भी अप्लाई किया था उसने। उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया था लेकिन यूके का नहीं, अमेरिका का। वो वॉशिंगटन में है अब। ये तेरी मनहूस मारी शूटिंग कब खत्म होगी? अल्लाह ना करे, तौबा करो तौबा। एक तो इतनी मुश्किल से स्टार्ट हो रही है और तुम्हें पता है वो लोग मुझे इसके पैसे भी देंगे। कितने पैसे दे रहे हैं? 10,000 तो देंगे ही देंगे। वाह, मुझे कितने देगा? अरे यार दादी, तुम्हारा जितना दिल चाहे ना रख लेना, पहले आने तो दो। पागल परे की बात मत करो बेटा, कब चलाएगा फिर कंपनी? तो बाबा मैं कैसे चलाऊंगी? अरे तो बस कुछ नहीं करना होगा, चलती भी कंपनी है, तब ठीक हो जाएगा। बाबा आप ठीक हो जाएं, फिर आप अपनी कंपनी खुद। हज़र, किस परेशानी में गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है हमारे साथ। गजल दूध पीती बच्ची नहीं थी सर, वो जानती थी कि हज़र शादीशुदा है और लोन के पैसे भी मिल जाएंगे, इसी चक्कर में उसने उसको पैसे दिए थे। कोई मोहब्बत ओब्बत नहीं थी सर उसे हज़र से। मैनेजर साहब, मैंने लॉयर को बुलवाया है। जी सर। आज से ये कंपनी अली न चलाएगी। मेरा भी ये ख्याल था सर। दादी टाइम होने वाला है, अंदर चलें? अंदर नहीं जा सकते बेटा, अंदर बहुत टेंशन है। यार दादी यहाँ कब टेंशन नहीं होती, चलते हैं, प्रोग्राम निकल जाएगा सारा। साहब के कमरे में जो प्रोग्राम चल रहा है ना, वो ज्यादा जरूरी है। यार तो फिर जब मैं टीवी पर आऊंगा तो अलीना बाजी नहीं देखेंगी। क्यों भाई? जब मैं उनका प्रोग्राम नहीं देखूंगा तो वो मुझे थोड़ी देखेंगी। ये क्या बात हुई? वैसे भी जलती हैं वो मुझसे। तुझसे ना, पूरी दुनिया में तू ही तो है। शुक्रिया। अच्छा चल जा, मेरे लिए पान लेकर आ। दादी इस वक्त पान लेने जाऊंगा तो सारा प्रोग्राम निकल जाएगा। निकल जाने दे। दादी प्यारी दादी, अगर आज पान नहीं खाओगी तो कुछ नहीं होगा। पूरी रात में मैं एक पान खाती हूँ। चल जा, मेरे लिए पान लेकर आ। जा रहा हूँ, ज़्यादा चीखा नहीं करो तुम। यकीनन आपको लाहौर में उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे अलीना को आया है। एंड होपफुली आप लोगों को जितनी सेलिब्रिटीज आप तो छा गई भाई, एक्सीलेंट, वेरी वेल डन बेटा, वाह। बिल्कुल
कराची जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, अपनी फैमिली को बहुत मिस भी कर रही हूँ, मगर ये कहना बहुत जरूरी है कि आई लव लाहौर। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट शो के साथ आपके साथ। पापा, आपा को क्या हुआ है? मैंने क्या अलीना को कंपनी का सीईओ बना दिया है। अच्छा, और वो मान गई? पता नहीं, बट इट वाज अ शॉक फॉर हर। लेकिन बाबा, आपा आपका बिजनेस संभालना नहीं चाहती। तब बंद कर देता हूँ ये सब कुछ। मेरा मतलब ये नहीं था पापा, अब किसी ना किसी को तो संभालना ही है। मैं मैनेजर साहब की हेल्प कर देती हूँ। मेरा बेटा, ये जो बिजनेस होता है ये फुल टाइम जॉब होता है, और तुम तो अभी पढ़ रही हो, तुम बस अपनी लिखाई और पढ़ाई पे तवज्जो दो बस। लेकिन पापा, ये पापा के साथ ज्यादती है। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं आपा को देखती हूँ। अंदर आ जाओ। हाँ, अंदर आ जाओ। क्या हुआ आपा, कुछ परेशान लग रही है? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ। पापा बता रहे थे कि आप उनका बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। हाँ, किसी को तो करना है। आई एम सॉरी आपा। क्यों? आई नो, अब शुरू से ही बाबा के बिजनेस से दूर भागती हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी ही, सब कुछ आप ही को करना है। मुझ पे तो पापा ट्रस्ट नहीं करते। नहीं अलिश्पा, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत समझदार हो, मगर इस तरह का कोई बोझ तुम्हारे पर अभी डालना इट्स अनफेयर। पहले अपनी स्टडीज़ तो ख़त्म कर लो। लेकिन पापा, मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ बस। पहले कोई मुझसे तो पूछ ले मैं क्या करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, आप क्या वाकई पापा का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं? हाँ, आई हैव डिसाइडेड। लेकिन आपका होस्टिंग शो ख़त्म। ख़त्म मतलब? ख़त्म मतलब नो मोर टीवी। आपा, अभी तो आपका शो स्टार्ट हुआ है। आई नो, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज और भी मिलने वाली थी। तो फिर पापा को मेरी ज़रूरत है, मैं मामा और भाई की तरह उनके ऊपर डिसअपीयर करने वाली नहीं हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना करियर दांव पे लगा दें? शायद मेरी किस्मत में यही है। पापा, दिस इज नॉट फेयर। लाइफ इज नॉट फेयर लिश्पा। सोच लें। मैंने सोच लिया। हाय, मैं हूँ अलीना और आप देख रहे हैं मेरा वही बोरिंग शो जो आपने पिछले हफ्ते भी देखा था, और आज भी मैं आपको वही शो दिखाऊंगा। तेरा नाम अलीना है, तू प्रोग्राम दिखाएगी। पहले तो फैसला कर कि तू मर्द है या औरत। यार सरदार खान, शो के बीच में मत बोलो, अलीना को शो के बारे में बताने दो। मुन्नू बताएं बताएं, उर्फ अलीना बताएं। तो सरदार खान हमें शो के बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे, आइए हम आज का खत पढ़ते हैं। आज का खत आया है क्वेटा से शादिया का, और शादिया कहती हैं कि मुझे शाजिया कहती है कि मुन्नू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। यार अलीना बाजी वो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। यार मैं अलीना जी, सरदार खान को आपके शो के बारे में बता रहा था, कसम से ये बोल रहा था कि इसने आपका शो नहीं देखा। बेचारे के घर पे टीवी नहीं है ना। चल अब गाड़ी से सामान निकालो मेरा। जी बाबा। बेटा अलीना, आपसे एक मशवरा करना है। जी बाबा।
मतलब वो जो लड़की है गजल, हमें उसके पैसे वापस कर देने चाहिए ना। देखा हुआ था, इतनी बेदर्दी से अजहर भाई ने उसका दिल तोड़ा है। मेरी औलाद ऐसा कर ही नहीं सकती बेटा। बस दादी, अरे दादी उठो ना। अरे क्या है, तू सोता क्यों नहीं है? यार दादी, कल से मेरे ड्रामे की शूट स्टार्ट है और तुम्हें पता है उसमें मैं पागल बना हूँ। तुझे पागल बनने की जरूरत क्या, तू तो है ही पागल। जी नहीं, अगर मैं पागल होता तो स्टार कैसे बनता? ये स्टार क्या होता है? सितारा। तो सितारा बनने वाला है? हाँ, ड्रामों की दुनिया का अनमोल रतन और चमकता हुआ सितारा मुन्नू। अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तू सो जा। लो, मैं तुम्हें यहाँ खुशखबरी दे रहा हूँ और तुम पेट का दर्द बता रही हो। अरे मेरा दिमाग नहीं खा, तू सोता क्यों नहीं है? यार नींद नहीं आ रही ना, कल शूटिंग है ना। उफो, ये तो तेरी शूटिंग ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, सो जा यहाँ पे। अच्छा दादी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चले आऊँ सरदार खान के पास? कोई ज़रूरत नहीं है, चुपके चाप यहीं लेटा रहे। प्लीज़ दादी, तुम दफान हो जा बाहर। तुम तमीज़ से बात नहीं कर सकती क्या? मुन्नू, बाहर तशरीफ़ ले जाइए। जो हुकुम दादी। वाह यार दादी, तुम्हें तो तमीज से बात करना भी आता है। ये ठीक फैसला है, उसको पैसे दे दिला के फारिग करें। खुश हो जाएगी। ऐसे एक बात बताऊं, जो भी है अजहर भाई ने गलत तो किया है। किया तो है। कॉल करूं उसे? अलिश्बा, अलिश्बा देखो साहब ने हमें क्या दिया है। बुआ, ये तो 20 लाख का चेक है। हाँ, अरे हमारी तो 4 नस्लें कमाती तो ये 20 लाख रुपए नहीं होते। ये देखो साहब ने हमें दिया है। ये क्या है? ये मेरी शूटिंग के पैसे। तू कमाने लग गया क्या? कमाता तो मैं पहले भी था, खावर मुझे पैसे देता है। ये मैं अजहर को देना चाहता था। आई थिंक ही डजंट डिजर्व इट। ये गोल्ड प्लेटेड है, सॉलिड गोल्ड प्लेटेड। ये तुम्हारे लिए है, सबको सबका हिस्सा दे रहा हूँ। ये घर मेरी दोनों बेटियों का है। परसों रात गजल की अम्मी का इंतकाल हो गया, उसके बाद गजल ने भी खुदकुशी कर ली। Oh.